शुभमन गिल के साथ जो हो रहा है पूरी रात हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है। मतलब शुभमन गिल को, शुभमन गिल को कसूर तो बताइए उनका, क्योंकि जो यार उस दिन वो प्रेरक मंकड़ को उन्होंने चेहरों के नट बोल्ट उठा के मारने शुरू कर दिए मैदान में, और क्या आप लोग हैं? तो ये तलाश भी नहीं है। आई थिंक इट इज टाइम फॉर बीसीसीआई टू स्टेप इन, दे नीड टू ये अपने प्लेयरों से बात करो, फ्रेंचाइजी से बात करो। मेरे को आजकल क्या कहां किस दुनिया में हम जा रहे हैं जहां पे एक इंसान अपनी खुशी नहीं सेलिब्रेट कर सकता, वो ये क्या नहीं, उस पर शर्म ही आती है। आपको शर्म के अलावा और क्या आएगा? आप मुझे बताइए, आपको शर्म के अलावा कुछ और आता है? और कोई लव सूझ रहा है? आप कहते हैं हम इंडियन क्रिकेट फैंस हैं। 28 आई थिंक सबसे बड़ी गलती की थी ब्रॉडकास्टर ने, वो जो इंडिया पाकिस्तान में बाप बाप बेटा बेटा शुरू करवाया था ये, तो फिर क्यों मांगते हैं ये वर्ल्ड कप चाहिए, क्यों मांगते हैं कि फलाना चाहिए, क्यों मांगते हैं कि आईसीसी टाइटल चाहिए? इनको को आईपीएल ही बस खेला करे, आईपीएल ही बस देखा करे। इंडियन क्रिकेट वहां पहुंच गई है जहां पे रोहित आउट हो गए तो विराट के फैंस, और विराट आउट हो गए तो रोहित के फैंस एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। 28 तारीख के बाद ये लोग क्या करेंगे? 28 तारीख के बाद भी ऐसा करेंगे? शुभमन गिल आउट हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, तालियां बजाओ। रोहित शर्मा आउट हो गया, तालियां बजाओ। लोग सर ऐसा लगता नहीं करेंगे? नेक्स्ट स्टेप यही मैं पूछ रहा था आपसे, अब के एक्सीडेंट की फोटो लगा के, कि इससे अच्छा तो इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता और दूसरा बंदा नीचे लिखे और इसे को अस्पताल पहुंचाने वाला ना होता, उससे शर्मनाक बात नहीं है वो। उस टाइम एमएस धोनी को गाली पड़ रही है, वही कैन यू इमेजिन, एमएस धोनी को लोग गालियां दे रहे हैं, मतलब। और आई फेल टू अंडरस्टैंड यार, मैं ही कर दिया जो फुटबॉल की तरफ आप बढ़ रहे हो तो ये होना, मतलब सूर्य कुमार यादव को भी गाली पड़ी है जिस दिन उन्होंने भी सौ बनाया तो लोगों ने कहा इंडिया के लिए क्या। तो मैं तो आपको दो तीन साल से ये वॉर्न कर रहा था, शुभमन गिल तो लेटेस्ट नाम है, मुझे तो अभी तक विराटियन, रोहितियन, एमएसडीएन, केएल राहुलियन यही पता थे। सो द पॉइंट, राहुलियंस भी हैं। हाँ हाँ, वो भी आपको गाली देते हैं, हर कोई हर किसी को गाली ही देता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि हकीकत ये है, और आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कि जो आपने बोला ना, कुछ एजेंसीज जो बड़े बड़े होती हैं, जो प्लेयरों को मैनेज करती हैं, वो भी वक्त पे वो हैशटैग हमेशा ट्रेंड कराए जाते हैं, कि उन्होंने कल 100 बनाया और अपनी टीम को मैच जिता दिया और आरसीबी के अगेंस्ट बनाया और आरसीबी को उन्होंने बाहर कर दिया, ये क्या बात। दूसरा सर इसमें, अब तो क्रिकेट में लड़ाई होनी ही रह गई है बस, प्लेयरों की तो लड़ाई होनी शुरू हो गई है। इस साल तो आपको दिखा है ना स्टेडियम, तो अभी स्टेडियम में भी होगा, अभी सोशल मीडिया पे होता है। आई थिंक सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है कि बस वो बंदर के हाथ में आईना, जिसका जो दिल कर रहा है। कि आज जी विराट कोहली के फैंस से बोला, बट विराट कोहली खुद भी शिकार रह चुके, उनकी खुद की टीम के खुद के खिलाड़ी, जब आरसीबी और भी हारी है। एमएस धोनी में कह रहा हूं यार, आप एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इवन कुछ कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी रहे जहां पर सचिन तेंदुलकर, आप तो किसी को कुछ नहीं समझ रहे हो। इस आईपीएल ये होना था और ये फुटबॉल के रास्ते पर आप जा रहे हो। और ये तो मैं कह रहा हूं यार, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये बड़े बड़े सितारे ना, अभी इनसे बड़े तो नहीं है कोई इंडियन क्रिकेट में उस तरीके से। तीनों लोग अपनी अपनी फैमिलीज पर वो चीजें देख चुके हैं, और जिस फैमिलीज में उनकी मतलब बच्चियां हैं, तो अब यार आप इस हद तक अगर गिर चुके हो तो आप लोगों को मतलब पता नहीं आप लोगों पे दिमाग है खाने में आप क्या। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि शुभमन गिल जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली, और जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या ट्विटर, क्या इंस्टाग्राम, और क्या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोग जो उनके लिए लिख रहे हैं, उनके परिवार के लिए लिख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं शर्मनाक है वो। और वो लोग, मैं तो कह रहा हूं, फैंस का इंसान कहलाने लायक नहीं है। लेकिन ये ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? अब आप ये भी उम्मीद करते हैं कि यार वो प्लेयर ही बेचारा आके कहे अपने फैंस को कि प्लीज ये सब मत करो। आप पता था वो विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के लिए कहा गया था, जब मोहम्मद शमी पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान के खिलाफ उनको कुछ कहा जा रहा था। खैर ये आखिरी बार, ये भी हमें शुभमन गिल की सिस्टर को यार वाले टाइम पे क्या हो गई इस तरह की आप बातें आज बोल तो आरसीबी के फैन। अब वही है ना कि भाई आप लोग समझे पता नहीं आप कैसे फैंस हो, क्या हो भाई, क्या क्रिकेट देखते हो समझ नहीं आता। मैं कह रहा हूँ, ये शुरू किया था ब्रॉडकास्टर, आपको याद होगा स्पोर्ट्स, जिन्होंने वो इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचों में बनाया था, है जी, वो मौका मौका, बाप बेटा बाप बेटा, वहीं से शुरू हुआ। फिर कमेंट्री में ऑब्वियसली जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी बोलना शुरू किया, और उसके बाद देखिए आप। तो ये आपको मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, जो आज से एक साल पहले हालात थे बदतर आज हुए हैं, तो कल इंप्रूव नहीं होगा। और प्लेयर ये फ्रेंचाइजी के नहीं है, ये प्लेयर हिंदुस्तान की जनता के हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हैं, हमारी टीम के हैं,
तो ये आप यही पर लड़ाइयां करवाते रहेंगे और यही बता दीजिए गाली गाली वाले तो गाली वाले का नाम बताइए ना ये गाली दे रहा है आप सबसे आप क्यों डरते हो यार सबसे बड़ी बात आप ये देखो ये लखनऊ दो गाली जो दे रहा है जो है जो दो साल पुरानी अगर अभी भी लोग गाली दे रहे हैं तो इसका मतलब शर्म थोड़ी आई है विश्वास है अपने फेवरेट प्लेयर का चेहरा भी लगा लेंगे अपनी डीपी पे चेहरा लगा लेंगे अपनी डीपी पे प्लेयर का और ऐसी भद्दी लैंग्वेज में गालियां देते हैं ये चलो यार हमें देते थे मीडिया को देते थे वहां तक तो ठीक है आप शुभमन गिल ने 100 बनाया हो शुभमन गिल को आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो आप ऐसी मतलब कुछ लोगों ने ऋषभ पंत की एक्सीडेंट वाली तस्वीर लगाई है और कहा है कि ये अच्छा होता कि शुभमन गिल की कार का एक्सीडेंट होता एक बंदा नीचे लिखता है और वहां पर कोई उसको अस्पताल लेके जाने वाला ना होता मैं कहता हूं उन सबको भी डूब के मर ही जाना चाहिए शर्म के मारे और प्रॉब्लम यही है कि मतलब अनकंट्रोल्ड है ये अनकंट्रोल्ड है लेकिन आप उस प्लेयर को भी बदनाम कर रहे हैं कल को दूसरा जो है ट्रोल आर्मी वो आपके प्लेयर की फेलियर का इंतजार कर रहा है और मैं तो कहता हूं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल यार बिल्कुल यू लुक एट द लैंग्वेज अभी तक तो मीडिया को गाली देते थे अब प्लेयरों को गाली दे रहे हैं अगर आज मतलब कल रात को मैंने एक वीडियो भी किया था आप देखें मेरा सिंपल ये कहना है कि अगर मुझे एक वीडियो ऐसा मिला हो जिसमें शुभमन गिल ने क्यों 100 लगा दिया बात वही होगी ना अपनी खुशी से आप खुशी हो ना हो दूसरे की खुशी से आपको बहुत दुख होगा दूसरी चीज ये पर उस इंसान की जिसने लिखा ना उसकी मौत है एक तरीके से मतलब ये बड़ी क्योंकि अगर आप इस हद तक नहीं और उसके बाद कुछ लोग जो है वो उसी तरह के लोग जो है वो शुभमन की सिस्टर का वो पेज जो है वो डाल रहे हैं कि जी इस पे जाके कमेंट करो तो अब आप इसको तो फिर तो एक काम करो ना फिर तो कुछ मत करो फिर तो लड़ते ही रहो छोड़ दो यार एक बात बताओ ये गालियां ये वो सो फलाना ढिमकाना क्या खाते हो आपको जीने का अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए मेरे तो समझ से परे सोशल मीडिया नहीं जितने ये फ्रेंचाइजीज कुछ फ्रेंचाइजीज के जो एडमिन है ये इनको बताया जाता है कि आप इस तरह की आप याद है आपको राजस्थान ने जो पिछले साल किया था जो राजस्थान ने अपने ही प्लेयर्स के साथ भी कर दिया था कैप्टन लखनऊ ने जो किया है ये जो फैंस कर रहे हैं अगर ये बड़े बड़े फ्रेंचाइजी अगर ये कर रहे हैं तो आप फैंस को और टूल दे रहे हैं कि आप भी कर सकते हो नहीं मेरा हमेशा मानना है कि यार भले वो प्लेयर हो जो भी हो रोल मॉडल होने चाहिए किसी बड़े प्लेयर के फैंस को प्लेयर ये चाहेगा कि मेरे फैंस इतनी नफरत फैलाएं या भी है ना मैं कह रहा हूं कि सपोज लो वो तो अब है कि वो फैंस कहलाने लायक है नहीं बट वो क्लेम तो ये करते हैं कि वो विराट कोहली के फैंस हैं आरसीबी को इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कल मतलब दुनिया को तो एक तो वैसे ही रीजन मिल गया कि भाई विराट कोहली की टीम बाहर हो गई सब वो बाहर निकल आए शत्रुमुर्ग जो कहीं घुसे हुए थे कि सब आ गए भैया आप अपने सिर्फ इतना बोले कि यार शुभमन आप भाई दिल जीत लिया तूने उससे क्या होगा उस जहर कम हो जाएगा मैं मेरा आपने और, जो बात कही और वो जो लोग मशाल लेके घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे आग लगाने के लिए उनको लगेगा यार